Hi, this is Farooq Khan and welcome back to my channel FRK Info. And please मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें. तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो. अल कैफ किला सीरिया के अल अंसारिया पहाड़ों पे बना हुआ है. ये मारगट से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है. इस किले का निर्माण सैफ अल मुल्क इब्ने अमरून ने सन 1120 में करवाया था और उन्होंने सन 1120 से सन 1138 तक यहाँ पर हुकूमत की थी. इसके बाद निजारी ने सन 1138 से सन 1273 तक यहाँ पर हुकूमत की. उसके बाद मामलुक सल्तनत ने सन 1273 से सन 1516 तक यहाँ पर हुकूमत की. उसके बाद ऑटोमन अम्पायर ने सन 1516 से सन 1918 तक यहाँ पर हुकूमत की थी. यह किला पहाड़ी को काटकर और चूना पत्थर से बनाया गया था. यह किला दो घाटियों के बीच में बनाया गया है और इसमें जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है जो बहुत ही ख़तरनाक है. इस किले का निर्माण सैफ अल मुल्क इब्ने अमरून ने 1120 में कराया था और 1138 में उनके बेटे मूसा ने इसे इस्माइलियों को बेच दिया था. यह सीरिया के प्रमुख दाई अबू मोहम्मद का आधार था. सीरिया में इस्माइली संप्रदाय ने अरब नेता रशीद दीन सिनान ने शुरुआत में इस महल को अपने आधार और आश्रम के रूप में इस्तेमाल किया था. सिनान के इंतकाल के बाद उन्हें सन 1193 में यहीं पर दफना दिया गया था. सन 1197 में यरूशलम के रिजेंट हेनरी द्वितीय काउंट ऑफ शैम्पेन ने सिनान के उत्तराधिकारी के साथ गठबंधन को सुरक्षित करने के लिए महल का दौरा किया. महल सीरिया में मामलुकों के अपने आत्मसमर्पण करने वाला अंतिम इस्माइली गढ़ था. सुल्तान बैबर्स ने सन 1273 में इस पर कब्जा कर लिया और यह ओटोमन काल तक प्रयोग में रहा, जब इसे कई बार महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए जेल के रूप में इस्तेमाल किया गया था. इस किले को सन 1816 में त्रिपोली के ओटोमन गवर्नर मुस्तफ़ा आगा बारबर ने नष्ट कर दिया था और आज ये किला पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और खंडर बन चुका है, लेकिन फिर भी इसको देखने के लिए दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.